शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज विषय पत्र 507 से संबंधित एक शीर्षक पे संवाद स्थापित करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। वो विषय है भारतीय समाज का अभ्युदय। भारतीय समाज के अभ्युदय को समझने के लिए हमें भारत के इतिहास में जाना पड़ेगा। भारतीय समाज विश्व के प्राचीनतम और विकसित समाज में से एक है। पुरापाषाण युग से ही हमें ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यहाँ बसावट ठीक ढंग की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम ध्यान दें तो एक विकसित सभ्यता के रूप में भारतीय समाज या भारतीय समुदाय के विकास के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में प्राप्त होने वाले जो पुरातात्विक प्रमाण हैं उनसे यह बातें सिद्ध होती हैं कि विकसित नगर योजना एवं सुव्यवस्थित नागरिक जीवन उस समुदाय में था। वहाँ बने हुए स्नानागार, भंडारण की व्यवस्था, सभागार आदि ये बताते हैं कि एक विकसित नगर योजना और सुव्यवस्थित नागरिक जीवन के सारे प्रमाण उस समाज में मौजूद थे। उस समय लेखन कला का भी विकास हो चुका था, लिपि का विकास हो चुका था। तांबे और सोने जैसे धातुओं से उस समाज का परिचय था। उन धातुओं के शोधन का तरीका भी उस समाज को मालूम था। लंबाई, भार आदि भौतिक गुणों के मापकों और उनके मानकीकरण का भी ज्ञान उस समाज को था। विकसित आर्थिक संस्थाएं थीं जो सारी व्यवस्थाओं का संचालन करती थीं और साथ ही एक विकसित राजनीतिक संस्थाएं भी थीं। इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही हमारे समाज का एक बेहतर स्वरूप सामने आता है। विश्व के प्राचीनतम एवं अन्य अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथों के रूप में वेदों का संकलन भी इसी भारत की भूमि पर हुआ। वेदों की कुल 1131 शाखाओं से संबंधित उतनी ही संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद विकसित हुए। इन संख्याओं का आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस समाज ने इतने बड़े ग्रंथों की श्रृंखलाओं को अपने यहाँ विकसित किया वो समाज कैसा रहा होगा। इन वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए वेदांग विकसित हुए जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण आदि ग्रंथ विकसित हुए। महाकाव्य ग्रंथ, स्मृतियाँ, नीति ग्रंथ, विज्ञान, कला आदि से संबंधित ग्रंथ और अन्य हजारों की संख्या में श्रेष्ठ साहित्यों का विकास भारत के समाज में हुआ। ये सभी साहित्य सिद्ध करते हैं कि तत्कालीन समाज कितना समृद्ध व ज्ञानी था। इतनी विकसित भाषा का विकास 10-20 सालों या 100-200 सालों में तो हुआ नहीं होगा। इसके लिए एक लंबी अवधि का समय व्यतीत हुआ होगा, हजारों साल लगे होंगे। तो ये विकसित भाषा ही यह बताती है कि भारत का समाज, एक विकसित समाज अति प्राचीन काल से ही मौजूद था। एक विकसित व अत्यंत समृद्ध सभ्यता होने के कारण इस भूक्षेत्र को लगातार अनेकानेक आक्रमणों को झेलना पड़ा। यूनानी यहाँ आए, शक आए, हूण, पर्थियन, कुषाण, मंगोल, तुर्क, मुगल, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और कई अन्य हमलावरों ने भारत में लूट के लिए और अपना आधिपत्य जमाने के लिए आक्रमण किया। लगातार हजारों वर्ष तक इन आक्रमणों से जो भारत का शांतिप्रिय समाज है वो जूझता रहा और उसके उन्नयन के मार्ग में अनेकानेक बाधाएं खड़ी हुईं। किसी भी विश्व के किसी भी हिस्से में इतने अधिक आक्रमण नहीं हुए जितना भारत में हुआ। इसीलिए इस समाज का जो चरित्र है, इस समाज की जो बुनावट है वो विश्व के अन्य समाजों से भिन्न है। इनमें से कई हमलावर समूह इसी भूभाग पर रह गए और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए,
समाहित हो गए, मिल गए, जैसे हूण, शक, कुषाण आज ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे। भारत के एक व्यापक समाज ने, एक बेहतरीन समाज ने अपने यहाँ इन्हें पचा लिया, रचा बसा लिया। इस प्रकार भारतीय समाज कई प्रकार की सांस्कृतिक भिन्नताओं को सहेजने व समेटने वाले समाज के रूप में विकसित हुआ। विश्व के अधिकांश धर्मों व संप्रदायों के मानने वाले लोगों को इस भूमि पर शरण मिली। जब यहूदी यूरोप के क्षेत्रों से हटाए गए, भगाए गए, तो उन्होंने यहाँ आकर शरण ली। पारसियों को जब कहीं शरण नहीं मिली तो उन्हें भारत भूमि ने शरण दिया। तो यह भूमि सदा से विश्व के अनेकानेक क्षेत्रों से आने वाले लोगों को जगह दिया है, शरण दिया है, अपने यहाँ विकसने का मौका दिया है। इस प्रकार भारतीय समाज अनेकानेक प्रजातियों, जातियों, समुदायों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं आदि की विभिन्नताओं को समेटने वाले और एक अत्यंत ही व्यापक व जटिल सामाजिक सांस्कृतिक रचना वाले समाज के रूप में विकसित हुआ। क्योंकि यहाँ इतने भिन्नताओं वाले लोगों ने रहना शुरू किया, जिनसे एक कंपोजिट कल्चर का विकास इस धरती पर हुआ। भारतीय समाज के स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है जब हम इसके उद्विकास की, इसके विकास की बात करते हैं। तो अनेक भारतीय ग्रंथों व साहित्य के माध्यम से और कई विदेशी यात्रियों जैसे मेगस्थनीज, फेंसांग, फाहियान, इत्सिंग, मार्को पोलो, इब्न बतूता आदि जितने विदेशी यात्री भारत में आए, उनके वृतांतों को पढ़ने से भारत के समाज को, जो प्राचीन समाज है, उसको समझने की एक दिशा मिलती है, ये दिशा स्पष्ट होती है। भारतीय समाज मूलतः धर्म व अध्यात्म आधारित समाज है। यह केंद्रीय तत्व है भारतीय समाज का। जन्म से मृत्यु पर्यंत सामाजिक जीवन को यह तत्व सर्वाधिक प्रभावित करता है। कोई भी अन्य तत्व उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता जितना धर्म और अध्यात्म प्रभावित करता है। यही कारण है कि युगों युगों से यह समाज आज भी जीवंत बना रहा। राजनीतिक व्यवस्थाएं बदलती रहीं, लोगों के शासन बदलते रहे, लेकिन समाज नहीं बदला, समाज वही रहा। क्योंकि समाज का जो केंद्रीय तत्व था वो धर्म और अध्यात्म था। वर्णाश्रम का सिद्धांत भारत के समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। चतुर्वर्ण और चतुराश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसने लंबे समय तक भारत के समाज को प्रभावित किया। यद्यपि आज की जो स्थिति है, आज के इस लोकतांत्रिक समाज में इसका स्वरूप बदला है और बेहतर हुआ है, फिर भी इसका प्रभाव भारतीय समाज में अभी तक बना हुआ है। पुरुषार्थ चतुष्टय का सिद्धांत भी भारत के समाज को बहुत हद तक प्रभावित किया। भारतीय लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। सिर्फ अर्थोपार्जन नहीं, सिर्फ अर्थोपार्जन करके सुख की प्राप्ति नहीं, बल्कि धर्म का कार्य, परोपकार का कार्य, और परोपकार का कार्य करते हुए अर्थ का उपार्जन, और उसके बाद अपने कामनाओं की पूर्ति करना, और अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति। ये चार चीज़ें भारतीय समाज को, चाहे वो समाज उत्तर के क्षेत्र का हो, दक्षिण के क्षेत्र का हो, पूरब के क्षेत्र का हो, पश्चिम का हो, मध्य क्षेत्र का हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, मरुस्थल का हिस्सा हो, तटीय प्रदेश हो, कहीं भी आप जाएं भारत में, भारत भूमि में, तो ये चार तत्व अवश्य समाज को ठीक ढंग से प्रभावित करते हैं। कर्मफल का सिद्धांत भी भारत भूमि के सभी क्षेत्रों में समान रूप से माना जाता है। भारत के लोग यह विश्वास करते हैं कि यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल भोगना पड़ेगा, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे सामने उसका अच्छा फल आएगा। और इहलोक और परलोक का सिद्धांत भी भारतीय समुदाय, भारतीय समाज के लोगों में एक प्रगाढ़ आस्था इसके प्रति है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भारतीय समाज में व्याप्त है।
और ये कर्मफल का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, यह लोक परलोक का सिद्धांत, ये परस्पर जुड़ा हुआ है, ये हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है, ऐसी मान्यता भारतीय समाज में है। और ये सारी चीज़ें वर्णाश्रम, पुरुषार्थ चतुष्टय, कर्मफल, इहलोक परलोक, पुनर्जन्म, ये सारे जो सिद्धांत हैं ये इतने बेहतरीन ढंग से रचे बसे हैं भारतीय समाज में कि अन्य भिन्नताएं होने के बावजूद भी भारत का समाज एक प्रकार का परिलक्षित होता है, एक जैसा दिखता है। भारतीय समाज की एक बड़ी विशेषता यहाँ के परिवार का स्वरूप और विवाह नामक संस्था है। परिवार का जो स्वरूप भारत में है वो शायद विश्व के अन्य क्षेत्रों में उस ढंग का नहीं है। विवाह जितना अपेक्षाकृत स्थायी स्वरूप में भारत में है उतना विश्व के अन्य हिस्सों में संभवतः नहीं है। पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन, परिवार के सदस्यों के साथ आत्मिक संबंध व आदर का भाव, ये आदर का भाव भारत की विशेषता है। अन्य हिस्सों में परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति तो लोग करते हैं लेकिन जो आदर का भाव है, रिस्पेक्ट है, यह भारत की विशेषता है। परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों व वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा, जैसे बच्चों को ये चिंता नहीं करनी होगी कि उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, जब तक वो अपने रोजगार को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक परिवार उनका खर्च चलाता है। जबकि विश्व के अन्य क्षेत्रों में जो विकसित देश हैं वहाँ एक खास उम्र के बाद बच्चे अपना खर्च स्वयं चलाते हैं। वृद्धों के सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था सरकारें करती हैं लेकिन भारतीय समाज में बच्चों और वृद्धों की व्यवस्था के लिए परिवार जिम्मेदार होता है। विवाह भी यहाँ अपेक्षाकृत स्थायी है और ये विशेषताएं भारत को एक अनूठे समाज के रूप में प्रकट करती हैं। अनेकता में एकता भी भारतीय समाज का एक अति विशिष्ट गुण है। इतनी सारी भिन्नताओं के होने के बावजूद भी एक हम की भावना, एक एकत्व की भावना भारतीय समाज में है। भारतीय समाज कई प्रकार की भिन्नताओं को धारण करने के बावजूद भी चूंकि सांस्कृतिक रूप में एक है इसलिए सांस्कृतिक एकता के कई तत्व निरंतर हमारे समाज को जोड़ के रखते हैं और हमें एकत्व का बोध कराते हैं। भारतीय समाज में विभिन्न भिन्नताएं हैं और बहुत सारी समानताएं भी हैं जो एकत्व की भावनाएं भी हैं जो इस समाज को जोड़ के रखती हैं। आइए शिक्षार्थियों हम इन भिन्नताओं को एक एक करके समझें और देखें। एक बड़ी भिन्नता भारतीय समाज में प्रजाति को लेके है। बीएस गुहा एक सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भारत में 6 प्रजातियों के तत्वों को चिन्हित किया है और यह किसी भी देश जो विश्व के किसी भी हिस्से में है उसमें पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रजातियां हैं जो एक देश में पाई जाती हैं। तो इन 6 प्रजातियों में निग्रिटो है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड है, मंगोलॉयड है, मेडिटेरेनियन है, वेस्टर्न ब्रेसी सिफेलिक है और नॉर्डिक है। जो ये 6 प्रमुख प्रजातियां विश्व के अन्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं उनके तत्व भारतीय समाज में भी पाए जाते हैं। तो इतनी प्रजातिगत भिन्नताओं के होने के बावजूद भी भारतीय समाज परस्पर जुड़ा है। दूसरी जो बड़ी भिन्नता है वो जाति है। भारत का जो नृविज्ञान सर्वेक्षण है वह यह बताता है कि भारत में 4600 से अधिक जातियां और उपजातियां निवास करती हैं। भिन्न भिन्न व्यवसायों व शिल्प कलाओं में विशेषज्ञता के आधार पर भारतीय समाज में कालांतर में इन जातियों का अभ्युदय हुआ। जैसे आप लोहार, मूर्तिकार, ताम्रकार, स्वर्णकार, कुम्हार आदि जातियों के बारे में समझ सकते हैं। इन जातियों का विकास एक खास प्रकार के व्यवसाय में दक्ष होने के कारण हुआ और इनका नामकरण भी उसी आधार पर हुआ। जो लोहे का कार्य कर रहा है वो लोहार है, जो मूर्तियां बनाता है वो मूर्तिकार है, जो तांबे का काम कर रहा है, तांबे के शोधन की विधि जानता है वो ताम्रकार है। तो एक व्यवसायिक दक्षता ने खास खास प्रकार की जातियों को बनाया और उन जातियों का उस व्यवसाय पर एकाधिकार हुआ।
और इस प्रकार 4600 प्रकार की जातियां भारत में विद्यमान है, ऐसा भारत का नृविज्ञान सर्वेक्षण बताता है। संप्रदाय और धर्म के स्तर पर भी भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय और धर्म निवास करते हैं। विश्व के अधिकांश संप्रदाय और धर्म जो आप सुनते हैं, सनातन हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, यहूदी, पारसी, ईसाई, तो ये जो प्रमुख धर्म है, इन धर्मों के और इन धर्मों के भी सभी पंथों, संप्रदायों और मतों के मानने वाले लोग इस देश में निवास करते हैं। इस्लाम के जितने फिरके हैं, सभी फिरकों के लोग, सभी पंथों के लोग इस देश में मौजूद हैं। वैसे ही बौद्ध परंपरा के जितने हैं, महायान, हीनयान, वैसे ही जैन परंपरा के, वैसे ही ईसाई परंपरा के जितने जितने सेक्ट्स हैं, जितने पंथ हैं, वो भारत में मौजूद हैं किसी न किसी रूप में। पारसी समाज जो विश्व के बहुत कम हिस्सों में पाया जाता है, वो भी भारतीय समाज में मौजूद है। तो इतनी बड़ी भिन्नताएं धर्म और संप्रदाय को लेके, या इतनी विविधताएं धर्म और संप्रदाय को लेके भारत में मौजूद है, जो विश्व के अन्य देशों से भारत को अलग करती है, अनूठा बनाती है। नृजाति और जनजाति के स्तर पर भी भारत में विविध वर्ग निवास करते हैं। जातियों और उपजातियों से परे 700 से अधिक जनजाति और नृजाति समुदाय भारत में निवास करते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, और जो ये कुल जनसंख्या के करीब 7.5% है। इन सभी जनजातियों और नृजातियों के रीति रिवाज और मान्यताओं में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं, लेकिन उन भिन्नताओं के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एकत्व का भाव है, कहीं ना कहीं वो एक कॉमन पॉइंट है जो उन जनजातियों, नृजातियों और अन्य समुदायों को परस्पर जोड़ती है और भारत को एक खास प्रकार के समाज और समुदाय के रूप में पहचान दिलाती है। भारत में भाषा और बोलियों को देखा जाए तो कई भाषाएं और कई बोलियां विद्यमान हैं। शायद ही विश्व के किसी हिस्से में इतनी भाषाएं और इतनी बोलियां एक साथ मौजूद हों। ग्रियर्सन ने भाषाओं पे काफ़ी काम किया और उनका मत था कि भारत में करीब 179 भाषाएं और उन भाषाओं की कुल 544 बोलियां विद्यमान हैं। अब इसमें से कई भाषाएं और कई बोलियां मृतप्राय स्थिति में हैं। बोलियों में से तो कई बोलियां अभी चलन से बाहर हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं ने उस पर अपना आधिपत्य जमाया, लेकिन फिर भी उनके तत्व कहीं ना कहीं हमारे समाज में मौजूद हैं। हमारे संविधान ने 22 प्रमुख भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है। इन प्रमुख भाषाओं और बोलियों ने क्षत्रिय संस्कृति के प्रमुख तत्वों को सहेज कर रखा है। ये यदि भाषाएं और बोलियां मर जाएंगी तो क्षत्रिय संस्कृति के तत्व भी मर जाएंगे। जैसे कुमायुनी में पत्थर के लिए करीब 15 से ज़्यादा शब्द हैं, और हर एक शब्द उस पत्थर के आकार, प्रकार और उसके उपयोग के आधार पर उसको नाम दिया गया है। तो यदि कुमायुनी भाषा के वो 15 शब्द मर जाएंगे तो उन पत्थरों का उपयोग और उस संस्कृति में उसकी क्या विशेषता थी, वो भी मर जाएगी। इसलिए भाषाएं और बोलियां क्षत्रिय संस्कृति की रक्षक होती हैं। तो भारत में विभिन्न भाषाएं और बोलियां विद्यमान हैं। सांस्कृतिक भिन्नताएं भी भारतीय समाज में मौजूद है। चूंकि भारतीय समाज विभिन्न प्रकार की भौगोलिक क्षेत्रों को समेट कर बनता है, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र भी है, यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, यहाँ तटीय समुद्र तटीय क्षेत्र भी है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारतीय समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के खान पान, वेशभूषा, पर्व त्यौहार, रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं विद्यमान हैं। और ये परंपराएं, वेशभूषा, खान पान, ये अलग होते हुए भी उसके कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं
जो भारतीय समाज को एक बनाती हैं। यही भारत की विशेषता है, जिससे कहा जाता है कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। अब हम शिक्षार्थियों उस विषय पे बात करें कि वो भारतीय समाज जो कि कई प्रकार की भिन्नताओं विविधताओं को समेटे हुए है, उस समाज में एकता के कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं। भारतीय समाज में कई भिन्नताएं होने के बावजूद भी एकता के कई तत्व विद्यमान हैं, जिसके कारण इस समाज का जीवंत अस्तित्व बना हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब आइए शिक्षार्थियों, हम एक एक करके उन एकता के तत्वों को समझते हैं। संस्कृति में जो व्याप्त समान तत्व है, वो भारत की एकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हमारी परंपरा में जो हम पवित्र नदियां मानते हैं, उन्हीं का उदाहरण आप ले लें तो हम कहते हैं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। यह कहना ही हमारा गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती और ये सिंधु जितनी नदियां हैं उनके क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है। ये भारत को सिर्फ गंगा यमुना का बेल्ट नहीं मानता, ये भारत को गोदावरी तक, नर्मदा तक, कावेरी तक का हिस्सा मानता है, सिंधु तक का हिस्सा मानता है। तो ये जो संस्कृति में हमारी जो धारणाएं हैं वो परस्पर जोड़ती हैं, हमें भारत के भिन्न भिन्न हिस्से को यह एहसास दिलाती हैं कि हम एक हैं। पवित्र पुरियों या नगरों की जब बात आती है तो हमारी परंपरा का वाक्य है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। यानी हमारे लिए सिर्फ एक दो पुरियां ही पवित्र नहीं हैं, इस भारत भूमि पर स्थित जो हिमालय से लेके समुद्र तक है, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र से लेकर और पूर्वोत्तर के क्षेत्र तक है, वहाँ सारी जो पुरियाँ हैं, सारे नगर जो किसी न किसी रूप में संस्कृति के केंद्र रहे हैं, वो सभी हमारे लिए पवित्र हैं। यह जुड़ाव का बिंदु है, इस प्रकार संस्कृति हमें एक करती है। पवित्र पर्वतों की बात हम करें तो महेंद्रो मलयः सह्यो देवात्मा हिमालयः धेयो रैवतो विंध्यो गिरिश्चारावलिस्तथा। यानी हमारे लिए सिर्फ हिमालय ही पवित्र नहीं है, महेंद्र है, मलय है, सह्याद्री है, रैवत है, विंध्यगिरी है, अरावली है, हम इन सभी क्षेत्रों को जोड़ते हैं और इन पर्वतों को हम पवित्र पर्वत की संज्ञा देते ही वहाँ के समुदाय को एक साथ जोड़ लेते हैं। यह संस्कृति की विशिष्टता है और इसीलिए जब हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारी संस्कृति यह बताती है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारत क्या है तो समुद्र के उत्तर में और हिमाद्री यानी हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वो संपूर्ण क्षेत्र भारत कहलाता है। तो ये जो सांस्कृतिक एकता का भाव है यह हमारे समाज को हजारों हजार वर्ष से जोड़ कर रखा है। हमारे संस्कृति में और बहुत सारे तत्व हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र आता है, 51 शक्तिपीठ का जिक्र आता है, 4 धाम का जिक्र आता है। ये भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थित है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक के क्षेत्रों में स्थित है। तो इस प्रकार पूरे भारत भूभाग को और वहाँ रहने वाले निवासियों को, समुदायों को हम परस्पर संस्कृति के माध्यम से जोड़ पाते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय में विश्वास, कर्मफल में विश्वास, ये परोपकार और सहजीवन में विश्वास, अहिंसा और सत्य में विश्वास, ये भारत के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, हर एक क्षेत्र में इन सारी तत्वों पर विश्वास का भाव है, चाहे अन्य किसी भी मामले में वो समुदाय दूसरे समुदाय से भिन्न हो, लेकिन इन कॉमन पॉइंट्स पे वो एक हैं। यदि हम भौगोलिक संरचना को देखें तो हिमालय, हिंद महासागर,
अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ यह भूभाग एक क्षेत्र के रूप में दिखता है, वो अलग अलग क्षेत्र के रूप में नहीं दिखता। तो ये चारों ओर से ऐसी उसकी प्राकृतिक संरचना है कि लगता है कि पूरा भूभाग एक ही देश है, एक ही राष्ट्र है, और इसीलिए हम इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, इसकी विशालता के कारण भी। तो ये भी एकता का एक तत्व है, भौगोलिक संरचना भी हमारी एकता को पुष्ट करती है। ऐतिहासिकता एक दूसरा प्रमुख बिंदु है जो भारतीय समाज को जोड़ के रखता है। हम 5000 सालों से एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में हैं, और यहाँ का जो इतिहास है, भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास, उसमें एक समान तत्व है, एक प्रकार का इतिहास है, एक प्रकार की जीवन शैली, एक प्रकार की पूजा पद्धति। चाहे हम कन्याकुमारी में पूजा करें या हम हिमालय के क्षेत्र में केदारनाथ में पूजा करें, एक प्रकार की पूजा शैली। और इस कारण से हम देखते हैं कि ये जो ऐतिहासिकता है, जो भारत पे हमले भी हुए तो वो हमला, यद्यपि वो हमला पश्चिम के क्षेत्र में हुआ, लेकिन दक्षिण का भी व्यक्ति यह मानता है कि वो हमला हमारे देश पे, हमारे राष्ट्र पे हमला था। तो ये जो जुड़ाव का की भावना है, वो उस भावना को ऐतिहासिकता, हमारा इतिहास भी पुष्ट करता है, हमें एक बनाता है। और एक राजनीतिक इकाई के रूप में भी भारत लंबे समय में, विभिन्न कालखंडों में रहा है, इतिहास के विभिन्न कालखंडों में सांस्कृतिक इकाई के साथ साथ भारत राष्ट्र एक राजनीतिक इकाई के रूप में रहा है। मौर्य काल को आप देखें, या गुप्त काल को देखें, सल्तनत काल को देखें, या मुगल काल को देखें, ये कुछ उदाहरण हैं जो भारत के बड़े हिस्से पे, हो सकता है कि कुछ हिस्से छूट गए हों, लेकिन काफ़ी बड़े हिस्से पे इन कालखंडों में भारत एक राजनीतिक इकाई के रूप में रही है। इस प्रकार अनेक अनेक भिन्नताओं के बावजूद भी हमारा भारतीय समाज एक है। इस समाज ने सदियों से विभिन्नताओं का आदर करना सीखा है, अपने भूभाग पर कई समुदायों को इसने शरण दी है। इस समाज के पास शांति और सौहार्द के साथ सहजीवन की कला है। इस समाज की चिर पुरातन परंपरा ने नित नूतन युगानुकूल बातों को खुले हृदय से स्वीकार किया है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति की जीवंतता बनी हुई है। तो शिक्षार्थियों, आज हमने भारतीय समाज को और उसके इतिहास को समझने का कार्य किया। अगली बार आपसे संवाद की श्रृंखला में किसी अन्य शीर्षक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।